नहीं मेहमान जी गलत बात नहीं, दरवाजा पर ऐसा गाना नहीं। ओ बजने दीजिए, ये को बजने दीजिए। हेलो दोस्तों, जय राम जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आज बड़ा ही मनोरंजन होने वाला है आप लोगों का। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही हम लोग बाजा लेके लड़के वाले के यहाँ जाते हैं, तो लड़के वाले के यहाँ होता क्या है दोस्तों, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लड़के वाले के यहाँ होता क्या है दोस्तों कि वहां पर बहुत सारे रिश्तेदार आए रहते हैं, जैसे लड़के का जीजा हो गया, लड़के का फूफा हो गया, लड़के का मामा हो गया, लड़के के मतलब जो घर के लोग हैं, जैसे मम्मी हो गई उनके रिश्तेदार हो गए, लड़के के जो बहन है उनके रिश्तेदार हो गए, लड़के के जो पिताजी है उनके कुछ रिश्तेदार हो गए, तो सारे रिश्तेदार लोग आए रहते हैं। अब देखिए जैसे ही हम लोग बाजा लेके पहुंचते हैं, तो हम लोगों का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई शुभ चीज का शुरुआत करते हैं, तो हम लोग पहले आग्रह कर देते हैं कि देखिए दो अगरबत्ती और कुछ जो अपना फॉर्मेलिटी होता है उससे आके और गाड़ी को पूजा कर दीजिए। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे क्या हर बाजा में होता क्या है दोस्तों, वो जो पूजा होता है उसमें जो पैसे आते हैं उसके लिए भी अक्सर झगड़ा हो जाता है हम लोगों में। हम तो नहीं करते हैं, जो कलाकार लोग होता है या जो कभी ड्राइवर साहब गुस्सा हो जाते हैं, कभी ये कि हम लेंगे तो हम लेंगे, ऐसे करके फिर भी मैनेज करके किया जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब हम लोग बाजा का शुरुआत करते हैं, बजाना शुरू करते हैं, होता क्या है दोस्तों, सभी लोग जो भी रिश्तेदार हैं सभी लोग अपना अपना इंजॉय लेते रहते, कोई यहाँ ऐसे कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कोई चौकी पर बैठे रहते हैं, कोई कहीं पर बैठे रहते हैं, कोई कहीं पर बैठे रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। होता क्या है दोस्तों, हम लोग जब शादी में लड़के वाले के दरवाजे पर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि पुराना पुराना हिंदी गीत जो सदाबहार है उस गीत को ही वहां पर रखा जाए, ताकि सुनने वाले को आनंद आए और अच्छा मतलब लगे। तो दोस्तों जैसे ही लड़के वाले के दरवाजे पर हम लोग बाजा बजाना स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में क्या करते हैं हम लोग कि शुरू में एक दो भक्ति गीत से कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, गणेश वंदना से और एक दो भक्ति गीत, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोग सदाबहार गीत गाना शुरू करते हैं, पुराने पुराने गीत, जैसे कि हो गया आने से उसके आए बहार, सावन आया बादल छाया, ये रेशमी जुल्फे ये सरबती आंखें, ये उसके बाद हो गया वो फिरकी वाली तुम कल फिर आना, एक चंचल शोक हसीना मेरे सपनों में आई, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। तो ऐसे ऐसे गीत जो है हम लोग दरवाजे पर गाना शुरू करते हैं। होता क्या है दोस्तों, लड़के वाले के यहाँ एक दो आदमी तो रहते नहीं हैं और लड़के वाले को तो काम से फुर्सत ही नहीं होते हैं, तो जो रिश्तेदार होते हैं तो उसमें से एक दो रिश्तेदार होते हैं वो कहते क्या गा रहे हैं आप लोग, कुछ नया होने दीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि दरवाजे पर डांस करने का माहौल नहीं होता है, वहां पर डांस चलता नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पुराना गीत ही दरवाजे पर पेश करें। और होता क्या है दोस्तों कि वहां पर एक दो आदमी ऐसे करने लगते तो थोड़ा परेशानी क्या होगा इसमें, थोड़ा मतलब सोचने लगते हैं कि थोड़ा सदाबहार ही चलता तो बेहतर रहता, क्योंकि डांस करने वाला जब ये गाना बजेगा तो डांस करने वाला अगर सामने रहता है तो और मजा आता है, बस यही बात है और कोई बात नहीं, वैसे गाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। होता क्या है दोस्तों कि जहां पर हम बाजा बजाने गए थे वहां पर एक आदमी आए और हम लोग गाना गा रहे थे, एक चंचल शोक हसीना मेरे सपनों में आए, और जैसे ही गाना गा रहे थे तो एक आदमी आते हैं और कहते बाजा बंद कीजिए, पहले आप बाजा बंद कीजिए, और कहने लगे कि क्या गा रहे हैं, अरे एक नयका गाना जो आया है ना उसको गाइए सुनाइए। हम बोले नयका कौन सा गाना नयका, तो वो बोले कि अभी जो आया नहीं है मतलब नया नया में हाउ वाला फील द, तो हम लोग दोस्तों थोड़ा शर्मा गए कि हम अच्छे फैमिली में गए थे और वहां पर हमें सब शिक्षित लग रहा था, तो जैसे ही ये गाना फरमाइश किए हाउ वाला फील द,
तो हम लोग थोड़ा मतलब संकोच में आ गए कि ये गाना दरवाजा पर गाने लायक नहीं है। हम कहे सर जी ये गाना गवाइएगा और झंझट फंस जाएगा, कोई ना कोई आके हमको मतलब बात कह देगा। मतलब होता है दोस्तों कि मान के चले अगर गलत गाना हम लोग दरवाजे पर गाते हैं तो हो सकता है बहुत आदमी का प्रेशर आ जाता है कि कौन बोला ये गाना गाने के लिए, कैसे आप ये गाना गा दिए। तो वो वहाँ पर थोड़ा माहौल जो होता है दोस्तों कि परेशानी वाला माहौल हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि दरवाजे पर ऐसा गीत ना बजाए। तो वो जो श्रीमान थे उन्होंने कहा कि नहीं ये गीत गईबे कीजिए। हम कहे ओ सर झंझट करवाइएगा आप। तो नहीं नहीं कोई झंझट नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप ये गाना स्टार्ट कीजिए। फिर भी हम डरते डरते उनको बोले कि आप हैं कौन। तो वो बोले कि हम लड़का है, जो लड़का का शादी हो रहा है हम उसका फूफा है, ठीक है, और हमारा नाम फलाना है। वो अपना नाम बताएं कि हमारा नाम फलाना है, लड़का के हम फूफा है, ठीक है, आप गाना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई कुछ कहता है तो आप हमें बुलाइएगा, हम यहीं पर हैं, बगल में आपकी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई भी कुछ कहता है आप हमें बुलाइएगा, हमारा नाम फलाना है, आप गाना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों हम पर दबाव बना दिया गया और गाने का तो इच्छा था ही नहीं, फिर भी उस गाने को हमने शुरू किया दोस्तों। और जिसका डर था वही हुआ, अच्छे फैमिली में थे और ऐसा गीत दरवाजे पर बजना, तो दोस्तों ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये तो झंझट करवाने वाला बात ही था। जैसे ही ये एक से दो लाइन हम गाए, इसी बीच एक आदमी आ गए। उसके बाद कौन कहा ये गाना गाने के लिए, आप दरवाजे पर ऐसा गाना गाना कैसे मतलब सोच लिए। अब दोस्तों हम सकपका गए, थोड़ा टेंशन में आ गए और थोड़ा ये भी सोचने लगे भाई हम तो कलाकार हैं, हमको तो कहने वाला कह के चला गया, अब हम गा रहे हैं, अब हम फंस गए। हम कहे देखिए सर जी लड़का का फूफा था, ठीक है, वो हमको बोले कि आप गाना गाइए, फलाना फलाना नाम है उनका, नहीं नहीं ये गाना नहीं चलेगा, गलत बात नहीं, आपको दरवाजे पर ऐसा गाना नहीं गाना है। हम कहे सर जी हम अपने मन से नहीं गा रहे हैं, वो जो लड़के का फूफा जी थे वही ये गाना मतलब जबरदस्ती, देख लीजिए वहां से कहे। अब इधर से वो थे जो मतलब जो गाना रुकवा रहे थे, बंद करवा रहे थे, वो लड़के के पिताजी थे और जो गाना का फरमाइश किए थे वो लड़का के फूफा जी थे। तो लड़का के फूफा जी थे और जो मना करवा रहे थे वो लड़का के पिताजी थे। अब पिताजी जो लड़के ना ऐसा गाना नहीं चलेगा, गलत बात नहीं, और लड़के का फूफा ओ बजने दीजिए। अब दोस्तों इन दोनों आदमी में थोड़े देर कहा सुनी हुई, नहीं नहीं मेहमान जी गलत बात नहीं, दरवाजा पर ऐसा गाना नहीं, ओ बजने दीजिए, ये वो बजने दीजिए। हम कहे फूफा जी देख रहे हैं ना, बात सुना रहे हैं ना आप हमको। फूफा जी बोले हम यहां पर हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको चू शब्द कोई नहीं कह सकता है, इसलिए आप चुपचाप रहिए, आपको टेंशन नहीं होगा, आप गाना स्टार्ट कीजिए। और इधर से जो हमारे दुल्हे राजा के पिताजी, नहीं नहीं आपको नहीं गाना, और उधर से फूफा जी होने दीजिए। दोस्तों लमसम 2-4-5 मिनट तक ऐसा चला और अंततः ये गाना बंद हो गया। तो हमें भी खुशी हुई कि चलो कम से कम ऐसा गाना दरवाजा पर नहीं गाना पड़ा, तो हमें खुशी हुई। और होता क्या है दोस्तों, ऐसा गाना गाने में थोड़ा संकोच कलाकार को भी होता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा गाना बजाए ही ना, क्योंकि ऐसा गाना गाने से जो माहौल होता है, जो समाज का माहौल होता है, वो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पर बहुत सारी माँ बहन बेटियाँ रहती हैं, तो ये गाना अच्छा नहीं लगता है। फूफा जी थोड़ी देर में आए, फिर एक गाना का फरमाइश किया, वो भी भोजपुरी ही। हम कहे ओ फूफा जी लगता है आप झंझट करवाइए के मानिएगा, तब न आपको हम टेंशन नहीं ना होने दिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम जो कहते हैं आप गाइए, हम यहीं पर हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, देखे ना हम आपको कुछ होने दिए नहीं होने दिए, आप गाइए, हम जो गाना कह रहे हैं वो गाना गाइए। हम फूफा जी से बहुत रिक्वेस्ट किए लेकिन माने नहीं, और अंततः फूफा जी अपना फरमाइश पूरा करवाते थे, लेकिन जैसे ही दो लाइन गाते थे फिर कोई आदमी आके ना
ये गीत नहीं गाना है, गलत बात नहीं। दरवाजे पर जो भी गाना बजेगा बाराती में बजेगा, आपका भोजपुरी जो भी बजेगा बाराती में बजेगा, यहाँ नहीं बजेगा। तो दोस्तों होता क्या है, ऐसे ही फूफा जी कहीं कहीं मिल जाते हैं तो थोड़ा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाकी सब आदमी मिला जुला के चलते हैं शादी विवाह में, और बहुत ही आनंद आता है ऐसे ऐसे लोगों से मिलके भी, और बहुत सारा अनुभव मिलता है हम लोगों को कि घर में जो शादी होता है तो कैसे कैसे लोग आते हैं शादी में, और सबका जो मिलन होता है एक तरह से शादी विवाह में, बड़ा ही खुशी का माहौल रहता है और बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में कि जीजा कैसे बोलते हैं, फूफा कैसे बोलते हैं, लड़का के पिताजी कैसे बोलते हैं, लड़का के चाचा जी कैसे बोलते हैं, बड़ा ही आनंद होता है। लड़का के कभी कभी बहन भी ऐसे बोल देते हैं कि आप लोग अच्छा गीत नहीं गाते हैं, तो आप लोग अच्छा गीत गाते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है अनुभव मिलता है और बहुत सारी खुशी मिलती है। तो रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे ऐसे फूफा जी से सावधान रहिए जो भी बाजा वाले हैं, और फूफा जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे दरवाजे पर, जहां लड़के के दरवाजे पर जाते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत का फरमाइश नहीं करें। होता क्या है कि दिक्कत हो जाता है थोड़ा बहुत, और परेशानियां हो जाती हैं, और वहां का जो माहौल होता है वो थोड़ा बिगड़ने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो में इसी तरह बने रहिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।